बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से करना है मुझे, पर कभी ऐसे होता है कि काम है या कभी उठ नहीं पाए। तो आज जब मुझे कॉल आया एडिडास से, तो मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाएगा, आज मैं जाके रहूँगी भले ही थोड़ी देर के लिए। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैं बहुत शॉक हो गई, बिकॉज एज ए किड मैं यारी रोड में ही पली बड़ी हूँ, ऑल माई लाइफ आई हैव स्टेड हियर, एंड मैंने कभी नहीं देखा था कि इस साइड ऑफ द बीच में इतना कचरा है। एंड नॉट ओनली दैट, जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि कचरा इतना हद तक है यहाँ पे कि वो ज़मीन के भी 4 फीट नीचे है, और हम लोग खोद खोद के इतना कचरा निकाल रहे, इट्स अनबिलीवेबल। एंड आई थिंक कि पता नहीं क्यों मैंने ये पहले नहीं किया, बट नाउ आई नो। मैं हमेशा रिजवान और एडिडास वालों से पूछ रही कैसे करते हो यार तुम लोग हर संडे, हाउ डू यू डू इट। बट जब यहाँ आके अपनी सिटी की हालत देखते हैं लोग, तो आई थिंक अपने आप वो अंदर से आता है कि नहीं कुछ करना है, इट्स ओके, हम लोग 20-25 लोग क्या ही उखाड़ लेंगे, बट जितना कर रहे हैं बहुत करें। एंड स्पेशली जब एडिडास इतनी बड़ी कंपनी सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दे रही है, आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक, क्योंकि एज अ पर्सन आई डू वॉन्ट टू क्लीन माई सिटी, बट मेरे पास कभी उतने लोग नहीं होते, मैं अकेले बीच में निकल के कितना ही साफ कर लूँगी। बट हियर दे प्रोवाइड अस विद पीपल, विद ग्लव्स, विद ट्रक्स, सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, गुड जॉब एडिडास। नहीं, एंड आई एम रियली रियली गिल्टी अबाउट इट। तो मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आके हमारी सिटी की बीचेस की हालत देखिए। आई थिंक हम गोवा जाते हैं, हवाई, मायामी, क्या बात करते हैं हम लोग, यहाँ बीच वहाँ बीच, पर बॉम्बे में हमारे बीचेस है और इतनी सुंदर सुंदर बीचेस है। तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन क्लीनिंग दीज बीचेस, क्योंकि बहुत सुंदर शहर है अपना और हम उसे और सुंदर बना सकते हैं। ऑफकोर्स आई थिंक गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से बहुत कम है, हम लोग इतने सारे लोग हैं, आज भी हम सब लोग ही मिलके कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर हम ये आदत बनाए कि हम प्लास्टिक और कचरा ना यूज़, प्लास्टिक तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए फर्स्टली, और कचरा भी ऐसे ना फेंके रोड पे, डस्टबिन ढूंढ के फेंके, आई नो कि कभी कभी मिलते नहीं है एवरीथिंग, तो प्लास्ट मतलब उसको बस आप रखिए अपने पास कि आप एक डस्टबिन ढूंढ के उसे डालिए, क्योंकि एक दो बार करने से मतलब ये हो जाता है, हम लोग को लगे कि अच्छा एक प्लास्टिक से कुछ नहीं होगा, एक रैपर से कुछ नहीं होगा, बट आज जब हम निकाल रहे हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ना इतने से सान से हमने कुछ 6-7 प्लास्टिक बैग, एक जीन्स, एक टी शर्ट निकाली है। सो आई थिंक इट्स क्रेजी दैट लोग बस अपना सामान फेंकते हैं। गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट आई थिंक एज पीपल हमें एक स्टैंड लेना चाहिए कि लेट्स ट्राई एंड कीप द सिटी क्लीन, कि ये नौबत ही ना आए साफ करने की। अक्सर देखा गया है कि बॉलीवुड के सभी कलाकारों ने हिस्सा लिया है साफ सफाई में, उनसे कुछ आपको सीखने मिला है या उन्हें कुछ? एज आई सेड, मैंने कभी फॉलो अप ही नहीं किया है, बिकॉज ये इवेंट भी 2-3 बार ऐसे मेरा पहले प्लान बना, बट ड्यू टू वर्क और ड्यू टू हेल्थ में नहीं आ पाई। सो आई थॉट कि चलो आज जाके देख ही लेते हैं, एंड आई नो सो मेनी पीपल हियर जो अपना रोज़ा रख के साफ कर रहे हैं। तो गाइज, आई डोंट थिंक इट्स दैट हार्ड, इतने लोग हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जॉइन अस, जस्ट गो आउट, मेक अ ग्रुप एंड स्टार्ट क्लीनिंग द सिटी। इट विल टेक अ डे, 2-3 आवर्स ऑफ योर टाइम, बट इट विल मेक अ बिग बिग डिफरेंस। मैं कहना चाहूँगी कि मैं दुनिया की सबसे आलसी इंसान हूँ, एंड आई एम नॉट अ वेरी ओ क्लेंलीनेस पर्सन, बट यहाँ आके जब मैंने अपनी सिटी की ऐसी हालत देखी है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो प्लीज़ एक बार आके बस देखिए कि क्या हालत हुई है हमारी सिटी की, हमारी बीचेस की, एंड प्लीज़ हेल्प, वी नीड योर हेल्प।
थैंक यू। तो हम एडिडास रनर्स हर संडे यहाँ बरसुबह आते हैं। 3 साल पहले अफरोज सर ने ये जो स्टार्ट किया था, मतलब लाइक वी से अ ड्रॉप इन द ओशन, इट लिटरली वाज अ ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि हम लोगों ने इतनी गंदगी की है। सो टू क्लीन अप आफ्टर व्हाट वी हैव डन इज गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पर वी ट्राई एंड डू इट अ स्मॉल वे, कमिंग एवरी संडे एंड क्लीनिंग अप। तो ये जो एडिडास ने स्ट्रैटेजी अप्लाई की है टू कम एंड इंटरसेप्टेड इंडिया ब्रांड, तो ये जो मैं जूते पहन रही हूँ आज, वो 11 बॉटल प्लास्टिक बॉटल से बने हैं। सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। साफ सफाई करते हुए तो बहुत एक्चुअली दुख हुआ, क्योंकि जब हम ये हाल देखते हैं हम लोगों ने इस सिटी को क्या किया है, तो वी रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मैं अभी किसी से शेयर कर रही थी कि मेरे पिताजी बम्बई से है और वो कहते थे कि 30 साल पहले यही वर्सोवा बीच में या जुहू और बांद्रा में द वाटर यूज़ टू बी ब्लू, यहाँ पर डॉल्फिन्स रहते थे और कॉरल रहता था। तो 30 साल बाद हम लोगों ने जो किया है इस स्टेट को देखकर बहुत ही दुख महसूस होता है। जी बिल्कुल लिया है हिस्सा, तो हर संडे तो हम आते ही हैं, पर जब मैं कॉलेज में थी तब हम कई बार बाहर जाकर, मैं जेवियर्स में पढ़ती थी तो उस वक्त भी बहुत सारा हम क्लीन अप करते थे उस वक्त। जैसा कि आपने बताया मुंबई से रिलेट करती है, मुंबई जो मुंबई में रहता है उसकी मुंबई एक जान है। जी तो कितना रिलेट कर पाते हैं आप कि इस तरह की आप चीज़ें देखती हैं, जी आपका पॉल्यूशन को ले लिया जाए, जी क्या कुछ कहना चाहती है, क्या 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 फीलिंग आती है आपके? तो हम कहने के लिए तो कहते हैं मुंबई हमारी जान है, पर जब हम ट्रेन से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं तो हम जाकर ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हैं, गाड़ी की विंडो नीचे कर थूकते और कचरा फेंकते हैं। और ये दुख की बात ये है कि जब एडुकेटेड लोग जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या बड़े मर्सिडीज़ में गाड़ी चलाते हैं, वो जब नीचे वो खिड़की नीचे रख कर ये कुरकुरे फेंकते या फेंकते वोकते, दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि इट्स आवर जॉब टू स्प्रेड अवेयरनेस कि जो हम जो कर रहे हैं इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो आई जस्ट फील कि एज सिटीजन्स हमें गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए, खुद हम लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे देखना चाहिए एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। तो ये स्टेप्स क्या क्या लेंगे, मतलब हर संडे तो आएंगे, ट्राई करेंगे और रेगुलर करने के लिए, पर ये स्टेप्स बहुत बेबी स्टेप्स है क्योंकि इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन ओवरनाइट। 30 साल लगे हैं इस स्थिति के लिए, तो और शायद 5-10 साल तो लगेंगे ही। अफरोज सर ने जो 3 साल में एक पोर्शन किया है, हमें बॉम्बे को कम्प्लीटली क्लीन करना है, सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई होप कि बहुत सारे लोग आकर इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। गॉसिप तो नहीं है, मैं एक्चुअली शूट कर रही हूँ, तो हमारी नाइट शिफ्ट चल रही थी तो मैं नाइट शिफ्ट ख़त्म करके यहीं डायरेक्टली आई हूँ। तो शूट हमारा 10-12 दिन पहले स्टार्ट हुआ था एंड आई एम रियली एंजॉइंग द एक्सपीरियंस। रितेश इज लवली टू वर्क विथ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म कमिंग आउट। व्यूअर्स और फैंस को मैं आज ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए हर संडे को,
क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, प्लीज़ ज़रूर आइए और हम अपनी सिटी को क्लीन करिए। थैंक यू थैंक यू।